ये लैंडस्लाइड हुई है उसी वजह से, शायद कल या परसों बंद था भाई। इट्स डेंजरस। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है चेन्नई ऑल गुड, फिर है सेवैया, एकदम गर्मा गर्म सेवैया दूध से भरपूर, फिर चाउमीन, पता नहीं पाउडर आ रहा है या मिल्क है, मिल्क ठीक है, मिल्क है, और चाय और गर्म पानी तो रहता ही है। फ्लैग ऑफ फॉर वैली ऑफ फ्लावर्स। हेलो, हाउ आर यू? ऑल फाइन, वी बोथ विल शूट ईच अदर। सब अब लाइन अप हो रहे हैं, ये निखिल भैया, इन्हें जितना एक्सपीरियंस है माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस के कारण आज मेरी आज़ादी छिन रही है। मतलब हमारे एक गाइड सर नहीं है तो इनको आज गाइड सर बनाया, और सब अभी इधर लाइन अप हो रहे हैं, इधर चेक पोस्ट जैसा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए जाने के लिए, फिर इधर से और रास्ता चालू होता है इधर से। आपको दिखाते हैं डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स जहाँ पर फ्लावर्स के लिए अराउंड अभी चेक पोस्ट गया, वो मैंने आपको दिखाया वो, और अब ये रास्ता है, जब स्टीप स्लोप्स वगैरह होते हैं उसमें मतलब लग जाती है। ये वाटरफॉल बीच में आ रहा है, वाटर क्रॉसिंग टाइप छोटा सा पुल बना हुआ है, और उधर से फिर ऐसे ऊपर चढ़ना है। पीछे अपना ग्रुप आ रहा है, फिर चलते हैं। इधर सांसें ज़्यादा फूलती है, और एक प्रो टिप मैंने कल के वीडियो में भी शायद बताया होगा कि पानी ले लेना चाहिए, पानी लेते रहना चाहिए, आपकी बॉडी को ज़रा भी डिहाइड्रेट ना होने दे। मैंने कल यही गलती की थी, मेरी हार्ट बीट भी बढ़ रही थी और मैं ज़्यादा हाँफ रहा था, इसीलिए इन्जॉय करिए वाटरफॉल, और फिर आगे और व्यूज़ दिखाते हैं। ये निखिल भैया मीत को मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ही इज लीडिंग अस। नो नो नो, बहुत अच्छा लग रहा है, और ये रास्ता बड़ा पतला बोलते जो वैसा है, छोटा छोटा सिंगल ट्रेल है, और चलते रहते आगे, व्यूज एंजॉय करते हैं। फ्लावर्स की मैं सिनेमेटिक वगैरह लेते रहूँगा, फिर ये सब नई नई वेराइटीज आते जा रही है, और वही है सिनेमैटिक, एंजॉय करो आप। बीच में वाटरफॉल के साथ व्यू आया था तो सब उधर फोटो खिंचवाने लग गए थे, मैंने भी खिंचवाई, और अब आगे चलने लगे। फिर से ये स्टीप्स आ गए हैं, स्टीप चढ़ाई अराउंड 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। ये वाटरफॉल पे फोटो सेशन फिर से स्टार्ट हो गया था, अब फिर चढ़ना स्टार्ट हो गया है। ये लैंडस्लाइड हुई है उसी वजह से, शायद कल या परसों बंद था भाई। इट्स डेंजरस। आई थिंक शायद इधर से वैली स्टार्ट होती है, और
एंजॉय करो इधर का व्यू। चुके हैं जहाँ से वैली स्टार्ट होती है और मेन मेन फ्लावर्स जो है छोटे छोटे वो सब इधर से ही स्टार्ट होने लगे, जैसे कि ये है। वैसे नाम मुझे ज़्यादा पता नहीं है, ये पर्पल कॉफ़ी की अच्छा कुछ है, डोंट जज मी ऑन दैट, वैसे मुझे पता नहीं है। और वो जो पत्थर आपको दिख रहा है उधर, उधर से स्टार्ट होती है मेन उसकी वैली की स्टार्टिंग, उधर से जाके फिर उधर, और इधर मेन वैली है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो थोड़े कम तार नहीं होते, आगे जाके हमें और भी मिलने वाले हैं, तो लेट्स सी। ये रही मेन वैली। अभी लंच ब्रेक चल रहा है, मींस वैसे बारिश आ रही थी तो सब शेल्टर लेके बैठ गए और बहाना भी मिल गया लंच लेने का। अब लंच चल रहा है और ये है, मींस ये नहीं है ओरिजिनल वैली, ये है और इधर से हम आए थे। एंड फिर हम मिले अपने कॉलेज मेट बैचमेट्स से जो कि अलग ग्रुप से आए थे, एंड इधर मिलना एक अलग ही मज़ा था। अब अराउंड टाइम 1:00 12:56 हो रहे, तो जस्ट इन फ्यू सेकेंड्स ये कोहरा ही कोहरा हो गया। ये मैं जो वैली दिखा रहा था ये वही वैली है, पर इधर कुछ दिख ही नहीं रहा और ये पूरा कवर हो गया, इसीलिए शायद इधर 1:00 तक बोलते हैं। अब हम रिटर्न हो रहे हैं, अराउंड टाइमिंग 1:30 हो रहा है और इस वैली से थोड़ा आगे आ गए हैं। ये है वैली और ये यहाँ वाटरफॉल्स थे वो आगे में, इसको अब रास्ते में जा रहे हैं। अगर आपको एक इंसेक्ट या कुछ वगैरह की आती हो तो बस। अभी हम नीचे रिटर्न ही हो रहे हैं और ज़्यादा किलोमीटर्स बाकी नहीं है, बस अराउंड 1.5 या ऐसा कुछ होगा फिर पहुंच जाएंगे। अब अराउंड टाइम हो रहा है 3:02 और तो पहुंच जाएंगे अराउंड 4:00 के अराउंड। मोमोज रेडी है, चलिए अटैक करते हैं। फिर ये दूध मिला तो दूध मन हो गया, तो दूध भी पी लिया। अच्छा मोमोज भागी ना पी जाता। और कितने दोस्त लोग हैं तुम्हारे पीछे? बड़ा पता छे सर, यही लोग आए ना, इतने लोग आए ना तो बता। हाँ हाँ मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ आ रहा हूँ। इट्स डिनर टाइम और खाने में है पापड़ रोटी, ये इसके अंदर रोटी है और लौकी दाल की सब्जी, ये मिक्स दाल है, राइस और खीर, बस यही। मैंने डिनर कर लिया और फिर अब माहौल वाहौल जम रहा है, मतलब कैराओके और वह सब चल रहा है। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज़ उतारने होंगे, मुस्कुराऊं कभी तो लगता है। ये हो गया अलजित तक मैं ऐसा यार मिले आज देते यकीन कर। गुरुद्वारा में आए हैं डिनर करने के बाद, गंगरिया में जो गुरुद्वारा है, नॉट दैट हेमकुंड वन, इधर जो गंगरिया वाला है उसमें। मतलब बाहर बारिश हो रही है तो फिर इधर गुरुद्वारा में 10-15 मिनट रुक रहे हैं जब तक बारिश ना रुक जाए। अब गुरुद्वारा एक्सप्लोर करते हैं।
इधर एकोमोडेशन का भी है फैसिलिटी, और गुरुद्वारा में इधर सब इंफॉर्मेशन दी हुई है, चेक क्लॉक रूम वगैरह सब रूम्स रूम्स है इधर। जो आते तुझे समझ आए तू जाने ना, तू जाने ना, जाने ना, जाने ना, तू जाने ना। इसमें रेनफॉल और रेनफॉल क्या वाटरफॉल के लिए खड़े, इधर भी फोटो शूट वगैरह चालू है, दीदी का फोटोशूट चल रहा है, ये लसन कर रहा है, वो सब चल।